इन्वेस्ट इन योर हेयर, इट इज़ द क्राउन यू नेवर टेक ऑफ। जी हाँ, बालों में किया गया इन्वेस्ट हमेशा आपके लिए एक सर का ताज है जो कि कभी वेस्ट नहीं जाता। बट डोंट वरी, मैं आपको इसमें कोई खर्चा नहीं बताने वाली हूँ। बहुत ही ईजी और बहुत ही चीपेस्ट हेयर रेमेडी है जो कि एक्चुअली में वर्क करती है। अगर आप भी अपने बालों में बहुत ही अच्छा हेयर ग्रोथ चाहते हो, शाइनी हेयर चाहते हो, वो भी बिल्कुल स्पा जैसा, तो सिर्फ इन दो इन्ग्रीडियंट को अगर आपने अपने बालों में लगा लिया, आई एम श्योर कि आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा ओनली वन टाइम में। तो लास्ट तक वीडियो देखें ताकि आप रिजल्ट भी देख पाएँ। मैं स्टार्टिंग में ले रही हूँ कर्ड। आप कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का, घर का बना हुआ कैसा भी कर्ड ले सकते हो, यानी कि दही, कैसी भी दही आप यूज़ कर सकते हो। शायद आप भी जानते होंगे कि दो टाइप की दही आती है, एक खट्टी और एक सिंपल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके खट्टी लेनी है या जैसी, मैं आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। सिर्फ दही चाहिए, वो कैसी भी हो। और मैं ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हेयर लॉन्ग है, इसलिए तो आप भी उसी हिसाब से लीजिएगा। ज़्यादा एग ऐड नहीं करना है, ओनली वन एग इनफ। मैंने ये समझिए कि 20 रुपए वाले पैकेट में दही के और उसमें सिर्फ एक ऐड यूज़ किया है। और ये अगर आपके काफ़ी अच्छे लॉन्ग हेयर है उनमें भी चलेगा, और ऐसा नहीं है, बहुत है, ये इनफ है काफ़ी लॉन्ग हेयर के लिए भी। बल्कि अगर छोटे बाल हैं तो आप आधा ही दही का पैकेट यूज़ करें और उसमें भी वन एग ऐड करें। इसको अच्छे से मिक्स करें। अपने बालों में आपकी जो रूट्स हैं बालों के, उनसे लगाना स्टार्ट करना है बालों में, ऐसे जैसे कोई स्पा क्रीम लगाते हैं। ये आपके बालों के ग्रोथ को इतना फास्ट कर देगा, आपके बालों का हेयर फॉल ऐसे स्टॉप कर देगा कि ये आपको लगेगा जैसे पहले कभी था ही नहीं। अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स यानी कि दो मुए बालों की भी प्रॉब्लम है तो दही उसको भी कंट्रोल करती है। ये एक नेचुरल हेयर स्पा है आपके बालों के लिए, आपके बालों के ग्रोथ के लिए एक हेयर ट्रीटमेंट है। आप इसको किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, बट यस, जब आप इसको अपने रूट्स पर लगा लोगे अच्छे से तो आधे से पौना घंटा यानी कि 45 मिनट के लिए इसको कवर करना है। उसके बाद जो बचता है, अगर हेयर पैक बचा हुआ है तो आप अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा आपकी स्किन के लिए टैन रिमूवल पैक भी है। एक्चुअली जब आप इसका रिजल्ट देखोगे, मैं यहाँ पर हेयर सीरम यूज़ की हूँ बालों में हेयर रिमूव करने के बाद, हेयर पैक रिमूव करने के बाद। आप चाहें तो बिना उसके भी रख सकते हो क्योंकि इतना सॉफ्ट और शाइनी बाल होगा कि आपको देखते बनेगा। आई एम श्योर कि ये वीडियो हेल्पफुल हो आपके लिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अप्रिशिएट करें, लाइक करना ना भूलें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।